हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीता रसोई घर। तो आज लेके आई बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी जिसे आप खाते ही बोलेंगे वाव क्या रेसिपी है। बच्चों से लेके बड़ों तक को ये रेसिपी जरूर से जरूर पसंद आएगी। तो आज मैं बना रही हूँ मसाला एक फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, यानी मसाला फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, जो कि बहुत ही ईजिली बन जाता है एंड खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मेरे घर में तो ये सभी को पसंद है। तो यहाँ पर मैंने अंडे और ब्रेड ले लिए हैं अपने अकॉर्डिंगली, अंडे और ब्रेड मतलब घर के पर्सन के ही अकॉर्डिंग ही ले। तो यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है प्याज, हरी मिर्च एंड धनिया पत्ता, बारीक से चॉप कर लेना है। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने एक बड़ा सा बर्तन, और जो बर्तन का मुंह फैला हो ना वो बर्तन ले। इसमें क्या होगा, डिप करने में ना ब्रेड बहुत ही ईजिली होगा। तो यहाँ पे मैंने बर्तन ले लिए, उसमें एक एक करके सारे अंडे को तोड़ दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 5 अंडे लिए थे अपने घर के अकॉर्डिंग, मेरे घर में जितने भी पर्सन है उस अकॉर्डिंग मैंने अंडे लिए थे। तो यहाँ पे मैंने अंडे ले लिए हैं और सभी अंडे को तोड़ दूंगी। यकीन मानिए इस रेसिपी को आप एक बार बना के खाएं, बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही इजीली तरीके से भी बनती है, झटपट में बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारे अंडे को तोड़ लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, तो अपने तीखे के अकॉर्डिंग मिर्च ले। इसमें मैंने प्याज 2 बड़ी साइज के प्याज बारीक से कट करके ऐड किया है। प्याज थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ऐड करें, इससे ना क्रंची टेस्ट जो होता है ना प्याज का बहुत ही अच्छा लगता है। इसी के साथ मैंने ऐड कर दिया है धनिया पत्ता। फिर इसमें ऐड किया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा एंड काली मिर्च का पाउडर मैंने दोनों मिक्स करके ऐड किया है। एंड थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया, यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। फिर इसमें ऐड करें उबला हुआ दूध। दूध ऐड करने से बहुत ही टेस्टी फ्रेंच टोस्ट बनता है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को ऐड कर दिया और इसे अच्छे से फेंट लेना है। जब तक कि अंडे में से झाग ना आने लगे तब तक इसे अच्छे से फेंट लेना है। आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर से भी फेंट सकते हैं, बहुत ही ईजिली होगा। तो मैं यहाँ पर चम्मच से ही अच्छे से फेंट रही हूँ, बहुत ही ईजिली फेंटा भी जाता है और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये बच्चों को तो खासकर पसंद आएगा एंड एक में तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो बच्चों के लिए भी एकदम परफेक्ट रेसिपी एंड बड़ों के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया। उसके बाद मैंने चूल्हे पे पैन चढ़ा दिया है। पैन में मैं रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ और ऑयल गर्म होने पे इसमें ऐड कर दूंगी फ्रेंच टोस्ट। तो इसे मैंने ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट को एग में क्या करूँगी, पहले डिप कर लेना है, उसके बाद इसमें पैन में रखना है। तो जिस तरह से मैं डिप कर रही हूँ आप देख लीजिए, दोनों तरफ से अच्छी तरह से पलट लेना है। उसके ऊपर में मैं हाथों से ही प्याज ऊपर से ऐड कर दूँगी। और ये बहुत ही जल्दी वाली रेसिपी है, इसलिए आप जब भी आपको झटपट वाली भूख लगे ना तो आप सोच रहे हो कि क्या खाए क्या खाए, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बना लें। झटपट में ये बहुत ही ईजिली बन जाएगी एंड पेट भी फुल हो जाए। 2 ब्रेड आप फ्रेंच टोस्ट खा लें तो एकदम पेट फुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डिप करके इसमें रख दिया है। पहले ना हाई फ्लेम पे मैंने कर दिया, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। उसके बाद इसे मैं पलट दूंगी और दोनों तरफ से गोल्डन होने तक दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दूसरी तरफ भी पलट दिया है और ये बहुत ही ईजिली हो जाता है, जैसा कि मैं बोल रही हूँ बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड फ्रेंच टोस्ट एकदम झटपट में रेडी हो गया है। तो इसे मैंने दोनों तरफ से सेक लिया, उसके बाद इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग सपोर्ट सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो मैं आगे की रेसिपी और भी अच्छी अच्छी टेस्टी लेके आऊँ। एंड प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं बहुत सारी रेसिपी लेके आऊँ, अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी एंड ईजी रेसिपी, जो आप लोग को भी बनाने में बहुत ईजिली और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। यहाँ पर दूसरा भी एक फ्रेंच टोस्ट जो मैंने फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो इसे बीच से ना कट करके आप इसे सैंडविच भी बना सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे है ना मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो गया है और इसे मैं बीच से कट कर दूंगी। तो ये हो गया ब्रेड सैंडविच भी, हो गया एक ब्रेड सैंडविच भी इसे बोल सकते हैं। तो आपको जिस तरह से सही लगे आप उस तरह से खाएं। तो ये परफेक्टली रेडी हो गया है। तो लीजिए गर्मा गर्म ब्रेड फ्रेंच टोस्ट एकदम रेडी है, एक फ्रेंच टोस्ट एंड ईजी रेसिपी। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।